हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर फाइन? ओके, ये वीडियो देख आप रीड कर पढ़ रहे हो या नहीं? अभी तो लग रहा है आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, तो स्कूल में ही फिर से रिवीजन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो सब चैप्टर पढ़े नहीं होंगे। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15, जो हमने लास्ट वीडियो में 14 चैप्टर कंप्लीट किया आवर पंचायत। आज हम डिजास्टर एंड रेस्क्यूज़ क्या होते हैं उसके बारे में लर्न करेंगे। टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 15 अपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 108। डिजास्टर एंड रेस्क्यूज़। डिजास्टर यानी कि जो ऐसे प्रॉब्लम्स या कि जो नेचुरली आते हो उसे क्या कहते हैं? डिजास्टर कहते हैं। और रेस्क्यूज यानी कि जो ह्यूमन के थ्रू या तो एक्सीडेंट्स होते हैं, आग लगना होता है, वो सब क्या होता है? रेस्क्यूज यानी कि जो नेचुरली नहीं होता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो उसे रेस्क्यूज कहते हैं। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी सी एंड हियर अबाउट मेनी इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस। हम देखते हैं और सुनते हैं ऐसी कितनी सारी इवेंट के बारे में जो हमारे आसपास होती रहती है। व्हीक्यूलर्स एक्सीडेंट्स हैपन और चाइल्ड फॉल्स ऑफ व्हीकल फ्लाइंग काइट्स। व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं, या तो छोटा बच्चा कोई गिर जाता है फ्लाइंग जगाते जगाते, तो ये सब क्या है? समवेयर अ फायर में ब्रेकआउट, कहीं पे आग लग जाती है। समटाइम्स देर आर फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन और सम अदर डिजास्टर्स। और कहीं पे समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्लड आता है, अर्थक्वेक होता है, साइक्लोन होते हैं और मेनी सारे ऐसे डिजास्टर होते हैं। सच इवेंट्स कॉज डैमेज टू पर्सनल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। और ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमें पर्सनली भी इफेक्ट करते हैं और पब्लिकली भी, प्रॉपर्टीज को भी इफेक्ट करते हैं। समटाइम्स लॉस ऑफ लिव्स ऑल्सो अकर्स ड्यू टू सच डिजास्टर। समटाइम्स सम डिजास्टर से कितने सारे लोगों की जाने भी जाती है और कई सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है? नॉर्मल जो लाइफ होती है वही है। उसके बाद सेकंड में फ्लड आता है, तो फ्लड में क्या हो रहा है? सब जो मेन है यहाँ पे एनिमल्स हैं वो सब क्या हो रहे हैं? खींचे जा रहे हैं और यहाँ पे सब चिल्ला रहे हैं, तो ये साइक्लोन की वजह, फ्लड आने की वजह से होता है। तो ये भी एक डिजास्टर हुआ। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम टेक्स्ट बुक वर्क बुक में डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक वाला ही रीड करेंगे, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम टेक्स्ट वर्क बुक में करेंगे। तो उसके बाद है, थ्रू वेरियस क्वेश्चन वी हैव कम टू नो दैट अकरेंस ऑफ फ्लड इज अ डिजास्टर। हमें फ्लड आने की वजह से कितने सारे ऐसे क्वेश्चन आते जाते हैं। वी हैव टू फेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सच डिजास्टर। और हम कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स की डिजास्टर की वजह से प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं, फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सब ऐसे डिजास्टर दिए हुए हैं जो कि डिजास्टर है या तो रेस्क्यू है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है जो क्या गया, एक इसमें क्या हो रहा है? साइक्लोन आ रहा है, तो साइक्स्ट्रोम या साइक्लोन। तो इसमें क्या हो रहा है? ये जो ये क्या होता है जब थंडरस्ट्रोम आता है, तो कितने सारे लोगों के जो घर बार होते हैं वो टूट जाते हैं, कई प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम होती है, कहीं किसी के ये जो एनिमल्स होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, व्हीकल्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ती है स्ट्रॉम की वजह से। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फायर लगती है, तो हाउस के अंदर फायर लगना ये नेचुरली नहीं है, तो ये इसकी वजह से भी कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो ये प्राइवेट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आग लगने से दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होता है। स्ट्रॉम की वजह से तो पब्लिकली हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, बट फायर लगने से जिसके घर में फायर लगती है उसे ही प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से जिसके हाउस में आग लगी है उसे ही प्रॉब्लम होती है, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ और ये एक डिजास्टर हुआ। ऐसे ही अगर आपको कुछ भी हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हो, तो ये क्या हुआ? डिजास्टर या एक्सीडेंट? तो ये एक एक्सीडेंट है, क्योंकि हमें हमारी वजह से प्रॉब्लम होता है, हमें नेचुरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी सिचुएशन है जो
एक्सीडेंटली होती है, नेचुरली नहीं होती है। यहाँ पे दिया हुआ एक पिक्चर जो आपको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट में एक लड़का जा रहा होता है और वो देखता नहीं है अच्छी तरह से, वो सामने से कार आती है और वो उससे टकरा जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी वजह से ज़्यादा उसे चोट लग जाती है और खून बहता है। और यहाँ पर पब्लिक्स होती है, उसे वो इकट्ठा होने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जा रही है। तो ये एक इस हिसाब से आपको एक लिखना है और सोचना है, बट इसके क्वेश्चन आंसर से जो इसके आंसर इस पिक्चर को देखने के बाद ही मिल जाएंगे। तो ये हम वर्कबुक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे पिक्चर डिस्क्रिप्शन ही है। तो उसमें फर्स्ट में क्या होता है कि जो दो लड़के हैं वो एक काइट के जो काइट को पकड़ने के लिए दौड़ रहे होते हैं रोड के बीच में, और वहाँ से कार आती है और इससे क्या होगा कि जो वो उसका जो ध्यान है वो पतंग के अंदर है, बट जो कार आ रही होती है उसे तो पता नहीं होता है, तो वो उससे टकरा जाते हैं और इससे एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही सेम यहाँ पे है, तो ये सब एक्सीडेंट दिए हुए हैं कि एक्सीडेंट कौन से। तो यहाँ पे चाय फूल हो जाती है और उससे हाथ जल जाते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। ये सारे ऐसे हैं जो एक्सीडेंट है एक वन टाइम। तो इसके इससे क्या क्या होता है और क्या क्या हो रहा है पिक्चर में, वो आपको यहाँ पे लिखना है उसके बारे में। ओके, वी हर अबाउट वेरियस एक्सीडेंट, हमने कितने सारे वेरियस एक्सीडेंट के बारे में सुना है। वी मस्ट हैव सीन सच इवेंट, और हमने कितनी सारी ऐसी सिचुएशन भी देखी है। टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ्टन हैव सच रिपोर्ट्स, और उसके बारे में टेलीविज़न में, टीवी में, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट दी जाती है। विक्टिम्स ऑफ सच एक्सीडेंट समटाइम्स लॉस लाइव्स, और समटाइम्स जो विक्टिम्स होते हैं जिसके एक्सीडेंट हुआ होता है जिसके साथ, वो कभी कभी अपनी जान भी गंवा देते हैं। समटाइम्स देयर इज अ ग्रेट डैमेज, और उसकी वजह से कितने सारे बड़े बड़े डैमेज भी होते हैं एक्सीडेंट की वजह से। सच इवेंट्स आर कॉल्ड डिजास्टर, और ऐसी इवेंट्स को क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। एक स्टोरी दी हुई है यहाँ पे। वंस देयर वॉज अ मैन नेम्ड अमृत भाई पटेल, एक मैन थे उसका नाम था अमृत भाई पटेल। ड्यूरिंग मानसून, मानसून के टाइम पे वंस पटेल कम बैक फ्रॉम हिज फार्म, वो अपने फार्म से घर आ रहे थे। नाइट फेल, रात हो गई थी। इट वॉज रेन्ड एंड इट कंटिन्यू थ्रू आउट द नाइट, और तब रात हो गई थी और कंटिन्यू बारिश हो रही थी। द विलेज पॉन्ड गॉट फिल्ड अप कम्प्लीटली, और विलेज का जो पॉन्ड था वो कम्प्लीटली फुल आउट हो गया था। ड्यू टू सच एन इंक्रीज ऑफ वाटर, और कहीं हर जगह पे वाटर वाटर ही हो गया था। द पॉन्ड ओवरफ्लो, और पॉन्ड ओवरफ्लो हो गया था। द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंटर द होल विलेज, और जो पॉन्ड का विलेज था जो ओवरफ्लो हो रहा था वो पानी सारा विलेज के अंदर आ गया था और सारी जगह पे पानी पानी हो गया था। देयर वॉज वाटर एंड डर्ट एवरीवेयर, और सब जगह पे वाटर और गंदी गंदाई फैल गई थी हर जगह पे एवरीवेयर। द वॉटर रेन इन द विलेज फॉर 2-4 days, और कंटिन्यू बारिश चलती रही और पानी पानी 2-3 दिन तक विलेज में ऐसे ही रहा। 2-4 दिन अमृत भाई सेव मेनी लिव्स, और जो अमृत भाई थे उसने कितने सारे लोगों की जान बचाई थी। जनरली नेचुरली प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिजास्टर, जनरली जो नेचुरली प्रॉब्लम्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। बिकॉज ऑफ डिजास्टर प्रॉपर्टी सफर्स ग्रेट लॉस एंड देयर इज लॉस ऑफ लिव्स ऑल्सो, और ऐसे बड़े बड़े डिजास्टर की वजह से कितने सारे प्रॉपर्टीज़ और कितने सारे लोगों को जान से सफर अपनी जान को सफर में डालना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पीपल हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम, उसकी वजह से पीपल को कितने सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। तो ओके स्टूडेंट, हम यहीं पे हमारा आज का पोर्शन होल्ड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू यहीं से करेंगे। थैंक यू।